डैडी मेरे को इतना ज्यादा गुस्सा आ रहा है ना, किसी को मारने का मन कर रहा है यहाँ पे ऐसे करके। Hey, how's you going everyone? My name is Mari Bhai and welcome back to another video. So guys, आज पहाड़ी बंदे तुम लोगों के सामने एकदम प्योर पहाड़ी लुक में हाजिर हैं। Well, to be honest, मैं इस टोपी को आज नहीं पहनना चाहता था वीडियो के लिए, बट मेरे घर वालों ने मुझे इंसिस्ट किया कि मैं इसके साथ एटलीस्ट एक वीडियो जरूर बनाऊं। So मुझे नहीं पता मैं इसमें कैसा लग रहा हूँ, बट तुम लोग मुझे कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताना। So पिछले कुछ दिनों से मैं तुम लोगों के कॉमेंट्स पढ़ रहा हूँ एंड मुझे बहुत सारे कमेंट्स देखने के लिए मिलते हैं स्काई ब्लॉक से रिलेटेड। मारी भाई प्लीज स्काई ब्लॉक के वर्ल्ड को वापस लेकर आओ। अबे जो स्काई ब्लॉक के वर्ल्ड को भूल गया खेलना, अबे डरता है क्या स्काई ब्लॉक खेलने से? और ये वाला कमेंट, आ हा हा हा, ये तो मेरे दिल की एकदम आर पार चला गया। अरे भाई पागल हो गया है क्या? कुछ बेकार कमेंट्स के कारण अपने स्काई ब्लॉक की सीरीज को छोड़ देगा भाई? तू ऐसे बेकार वाले कमेंट्स से अपने स्काई ब्लॉक की सीरीज को नहीं छोड़ सकता। नो स्काई ब्लॉक के वर्ल्ड को छोड़ने का रीजन ये था कि अब उस वर्ल्ड में कुछ बचा नहीं है करने के लिए। मैं एक ही सीरीज को अब जबरदस्ती घसीटना नहीं चाहता हूँ। बट गाइस इतनी सारी रिक्वेस्ट मुझे डेली बेसिस पे आती है जो कि मुझे देखी नहीं जाती है, इसीलिए आज मैं तुम लोगों के लिए लेकर आया हूँ एक स्काई ब्लॉक का बहुत ही बेहतरीन मैप, जिस मैप का नाम है द अनफेयर स्काई ब्लॉक। अब मुझे बिल्कुल आईडिया नहीं इसके अंदर क्या होने वाला है, बट इसका नाम सुन के मुझे एक ही चीज लग रही है कि मेरी बहुत बुरे तरीके से वाट लगने वाली है। तो अगर तो तुम लोग एक्साइटेड हो मेरी वाट लगते हो देखने के लिए, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना। अगर एक्साइटेड नहीं हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। देखो भाई ऐसा कुछ ना तुम लोगों को करना पड़ेगा, ऐसे फ्री में आना जाना नहीं चलेगा। दिस इज सो अनफेयर। नाइस जोक्स मारी पाए। सो गाइस शुरू करते हैं बिना टाइम फोड़े। ओह फाइनली 5 मिनट लगे इस वर्ल्ड को यहाँ पर लोड होने के लिए। ऑलरेडी मेरा दिमाग खराब हो चुका है। एंड वेट अ सेकंड, व्हाट द हेल इज दिस? अभी ये बेड रॉक है? इस पूरे वर्ल्ड में एक ही आइलैंड है, वो भी बेड रॉक से बना हुआ है। और एक सेकंड, क्या यहाँ पर हम लोगों को ट्रिक करने की कोशिश की गई है? मैं चेक करने वाला हूँ कि क्या ये यहाँ पर बेड रॉक है या फिर बेड रॉक की शक्ल में कोई और ब्लॉक है। सो यस गाइस, ये हमारे पास यहाँ पे बेड रॉक है। सो बेसिकली हमारे पास कोई और ऑप्शन यहाँ पर डर्ट को निकालने का। वेरी नाइस। और ये छोटू कौन है यहाँ पर है? वाह बड़ी डायमंड की चेस्ट प्लेट, गोल्ड के जूते पहने हुए तूने तो। मैं यहाँ पे नंगा घूम रहा हूँ और तू यहाँ पे राजा महाराजाओं की तरह बैठा हुआ है। रुक तेरी ऐसी की तैसी, इसे सारा कुछ ले जाऊंगा मैं। अरे देश को चल। अरे मैं पहनने वाला हूँ। बट मेरे जो सोने का जूता था गाइस वो नीचे गिर चुका है, उसका दुख तो मुझे हो रहा है। बहुत ही एपिक शुरुआत हुई है गाइस हमारी, बहुत ही ज्यादा एपिक शुरुआत। रिपीटिंग कमांड ब्लॉक, मुझे लग रहा है मैंने गेम को यहाँ पर नष्ट कर दिया है इसको तोड़कर। व्हाटएवर वी विल सी। ओके अभी मैं ऐसा करने वाला हूँ, अब तक यहाँ पे नंगा खड़ा कर दूंगा। अब तो ऐसा ही रहेगा यहाँ पर, समझ रहा है छोटे? अनफेयर स्काई ब्लॉक तो मैंने देखा ही नहीं भाई साहब यार। तो हमारे पास यहाँ पर दो आइलैंड है बेसिकली, एक ये वाला बेड रॉक का आइलैंड जिसका मैं सच बता रहा हूँ मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूँ, एंड ये वाला आइलैंड है। हो सकता है हम लोगों को यहाँ पर जाना पड़े, वहां तक पहुंचने के लिए हमारे को सामग्री हो सकता है यहां से मिल जाए। लेट्स सी गाइस। ओ भाई ये क्या मजाक है, मैं इस चीज को खोल भी नहीं सकता हूँ, बिकॉज मैं इसको जैसे ही खोलूंगा मैं यहाँ से नीचे गिर जाऊंगा। ये तो गलत बात है यार, ये तो गलत बात है। तो कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा गाइस इस चेस्ट को खोलने के लिए। एक सेकंड, क्या मैं इसके ऊपर नहीं चढ़ सकता हूँ एंड देन मैं इसको खोलने की कोशिश कर सकता हूँ? उसके लिए मेरे को ये सैपलिंग्स तोड़नी पड़ेगी, अमीन पेड़ की लीव्स तोड़नी पड़ेगी एंड शायद मैं अब इसको खोल सकता हूँ। यस बट यार इसके अंदर कुछ भी नहीं है गाइस। तो अगर इसके अंदर कुछ भी नहीं है तो हमको ये क्यों देख रखी गई है? इतना ही हम लोगों को क्यों ट्रिक करने की कोशिश कर रहे हैं? क्या हम लोगों को आसपास इस आइलैंड के चेक करना है? हो सकता है हम लोगों को यहाँ पर कोई सीक्रेट बटन मिल जाए जिसके थ्रू हम लोग यहाँ से आर पार पहुंच सके। एंड मैं यहाँ पर अभी एक और काम करने वाला हूँ जो कि इस पेड़ को खोदना। प्लीज टेल मी कि मैं इस पेड़ को खोद सकता हूँ। ओ भाई ओ यार डरा दिया। यस मार्टी पाई वाज स्क्वैश्ड बाय अ फॉलिंग एनविल। ये कैसा मजाक हुआ यार? यार इतनी मुश्किल से मैंने साइलेंट से एस्केप किया था, मैं फिर से वहीं पर वापस आ गया हूँ। ये बहुत ही गलत हुआ मेरे साथ, बहुत ही ज्यादा गलत। अब तो मैं इसको तोड़ भी नहीं सकता हूँ। दिस इज बेड रॉक, यू कांट ब्रेक इट। अबे यार ये कौन सी बात हुई, एक एक लौता तुम लोगों ने मुझे पेड़ दे के रखा हुआ है एंड मैं उसको भी नहीं तोड़ सकता हूँ। गाइस दिस इज सो अनफेयर। ओके तो क्या मैं इस ऊपर वाले पेड़ की टहनी को तोड़ सकता हूँ या फिर ये भी मुझे कहीं और टेलीपोर्ट कर देगी? नहीं किया इसने मुझे टेलीपोर्ट। वेरी नाइस, इस ऊपर वाली को मैं शायद तोड़ सकता हूँ फिर तो। बहुत बढ़िया, तो फिर तो मैं इस नीचे वाली को भी तोड़ सकता हूँ। यस इसको ही मैं तोड़ सकता हूँ। ओ माय गॉड, वहां देखो तुम लोग नीचे वॉइड दे के रखा हुआ है, वॉइड है ना? आई मीन ये वॉइड भी नहीं है गाइस, ये वॉइड नहीं है, ये वो एंड पोर्टल वाला सीन है ना जहाँ से हम लोग एंड में जा सकते हैं ड्रैगन से लड़ने के लिए। ओके तो जितनी मेरी ये वुड्स है, पहले तो मैं इनको प्लैंक्स में कन्वर्ट करने वाला हूँ, बिकॉज मुंह के सामने मुझे नीचे प्रेशर प्लेट दिख रही है। तो मैं ऐसा करने वाला हूँ, इस एक प्लैंक को इस प्रेशर प्लेट के ऊपर फेंकने वाला हूँ एंड देन हम लोग देखेंगे कि इस प्रेशर प्लेट को दबाते ही क्या होता है। मुझे एक्चुअली बहुत ज्यादा अभी नर्वसनेस फील हो रही है, बिकॉज इस मैप में मैं जो भी कर रहा हूँ भाई मैं मरे जा रहा हूँ बार बार। सो लेट्स सी। मेरा शक एकदम सही निकला। जैसे इस प्रेशर प्लेट को दबाएंगे हम लोग मर जाएंगे। यस मार्टी पाई फेल आउट ऑफ द वर्ल्ड, कुछ भी
कुछ भी वर्ल्ड के बाहर तो मैं गिरा भी नहीं था। मैं ऐसा करता हूँ, इस प्लेटफॉर्म को थोड़ा सा बड़ा करता हूँ, बिकॉज मैं इस पेड़ की लीव्स को खोदना चाहता हूँ। लेट्स सी कि क्या ऊपर से कोई सैपलिंग्स वगैरह गिरे। बट अगर ऊपर से ये क्या हुआ एकदम से? वो एक बीकन था। ओके, जैसे ही मैंने ये वाली लीव्स को तोड़ना स्टार्ट किया तो नीचे से यहाँ पर एक बीकन जनरेट हो गया था। सारी की सारी लीव्स को तोड़ दूंगा, कुछ ना कुछ काम जरूर होगा इस बीकन का। मैं एक्चुअली तुम लोगों को बता रहा हूँ, मैं अभी बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो रहा हूँ। अभी यहाँ पर एक बीकन निकला था ना इससे पहले, बट अब वो बीकन नहीं निकल रहा है। आईलैंड ने यहाँ पर क्या चला हुआ है गाइस? एक आईलैंड पे मैं जो भी कर सकता था मैंने ट्राई कर दिया है। मैं इसके थ्रू भी छलांग मार नहीं सकता, बिकॉज ठीक सामने यहाँ पर बेड रॉक लगा हुआ है ना, मुझे इसको तोड़ना पड़ेगा कुछ भी करके। मुझे इसके अंदर छलांग मारनी ही मारनी है। हो सकता है ये हमारा एस्केप पोर्टल हो यहाँ पर, राइट? दैट्स अ पॉसिबिलिटी। टीएनटी कमांड ब्लॉक एंड एक इकलौते एप्पल को मैं ऊपर रख देता हूँ, एंड अब मुझे इस आइलैंड को छोड़कर उस सामने वाले आइलैंड पे जाना है कुछ भी करके। पर मैं कैसे जा सकता हूँ? अबे मैं भी बेवकूफ हूँ एक नंबर का। इतने सारे प्लैंक्स थे मेरे पास, सारे के सारे मैंने वेस्ट कर दिए यहाँ पर, है ना? ओह, मैं ऐसा करने वाला हूँ गाइस, मैं एक बार इनको तोड़ने वाला हूँ। बस मेरा एक भी प्लैंक यहाँ से नीचे ना गिरे। नीचे गिर गया। अरे यार, बोलते ही नीचे गिर गया, ये क्या है? अरे भैया, हमारे पास यहाँ पे रिसोर्सेज नहीं है, प्लीज नीचे मत गिरना इस बार। Ah yes. A few moments later. So guys, मैंने अभी सारे के सारे planks यहाँ पर खोद दिए हैं। And just check this out. सिर्फ चार planks आए, आठ planks literally नीचे गिर चुके void में। तो ये चारों के चारों planks को मैं एकदम safe रख देता हूँ। मुझे नहीं पता मेरा कितना बड़ा loss यहाँ पर हो चुका है वो आठ planks नीचे गिर के। उस चीज का पता मुझे अभी future में चल जाएगा, but अभी मैं कुछ भी करके यहाँ से आगे जाना चाहता हूँ। I have no idea मैं कैसे यहाँ से आगे जा सकता हूँ। अरे कुछ ना कुछ तो हो यहाँ पर। ओ भाई, यहाँ पर एक invisible block है। Yes. Yes! Okay, मैं इसके ऊपर छलांग मार सकते हैं, बहुत ज्यादा नजदीक है। ओके, आसपास में और ऐसे हाथ मारने वाला हवा में, हो सकता है मुझे और यहाँ पर कोई इनविजिबल सा ब्लॉक दिख जाए। नो, ओनली एक ही ब्लॉक है यहाँ पर, जो कि इधर ही किधर है, कहाँ गया ये वाला। ओके, तो मैं इसके ऊपर छलांग मारने वाला हूँ। ओह, बच गया। ओके, पहले ब्लॉक पे छलांग मार दी है, अब यहाँ से मेरे को ये वाले ब्लॉक पे छलांग मारनी है। डर लग रहा है। एक वाला ब्लॉक हमारा यहाँ पर है, आसपास कोई भी और ब्लॉक नहीं है, सिर्फ ये वाला ब्लॉक है, और ये वाले ब्लॉक दोनों कनेक्टेड है, तो मैं इसके ऊपर डायरेक्ट जा सकता हूँ क्राउच दबा के। इस पे भी मैं क्राउच दबा के जा सकता हूँ, इस पे भी जा सकता हूँ। आसपास और कोई भी ब्लॉक नहीं है। वहां पर एक प्रेशर प्लेट है गाइस। ओके, मैं यहाँ पर छलांग मार सकता हूँ, देन मेरे को वहां से आगे प्रेशर प्लेट के ऊपर जाना पड़ेगा। लेट्स गो। ओके, मैं एकदम सेफ हूँ, मैं अभी मरा नहीं हूँ, बट मैं कहाँ पर आ गया मुझे नहीं पता। एंड मुझे तो अब ये डर लग रहा है कि मैं यहाँ से अगर हिलूंगा तब भी कहीं मैं मर ना जाऊँ। मुझे नहीं पता गाइस मैं कहाँ पर आ गया यार। अब मैं यहाँ से वापस कैसे जा सकता हूँ मेरे उस एक आइलैंड के ऊपर, मुझे वो भी आइडिया नहीं है अभी। ओके, सामने एक दरवाजा है, हम लोग जाएंगे दरवाजे के अंदर। ओके, सामने मुझे एक और दरवाजा दिखाया, मैं अभी कहीं पर भी चेक नहीं करने वाला हूँ, मैं बस सामने सामने जाने वाला हूँ। ये क्या चला हुआ भाई? मुझे ऐसा लग रहा है गाइस कि एक इनफिनिट लूप चला हुआ है। ये वाला हमारा मेन रूम है जहाँ पर अभी हम लोग आए थे प्रेशर प्लेट के बाद, राइट? एंड इस एक कमरे में अगर ढंग से नजर मारी जाए तो यहाँ पर ये क्या है, पहले तो ये बताओ क्या है भाई तू? अच्छा, हमारी वो डिजाइन वाली लाइट बनाई हुई है यहाँ पर, है ना? देखो, कुछ भी हो जाए मुझे जाना तो इसी दरवाजे के थ्रू है, बिकॉज यहाँ पर और कोई भी चीज नहीं हमारे काम की। तो यहाँ से मैं आगे गया, सामने मुझे एक और दरवाजा दिख रहा है, अब मैं इसी दरवाजे के थ्रू जाऊंगा लाइक दिस। मैं समझ गया हूँ। सी, यहाँ पर गाइस कुछ ना कुछ गड़बड़ तो हो रही है ना? मैंने एक छोटा सा पैटर्न यहाँ पे नोटिस कर दिया ऑलरेडी। ये हमारा मेन रूम है, यहाँ पर हमारा फर्स्ट गेट है, ये हमारा सेकंड गेट है। जैसे ही मैं इस थर्ड गेट के पार जा रहा हूँ ना, मेरे को टेलीपोर्ट कर रहा है बैक साइड के लिए। तुम लोग देखो यहाँ पे, है ना, कर दिया ना टेलीपोर्ट। जैसे ही मैं इस दरवाजे को कर रहा हूँ, टेलीपोर्ट हो गया फिर से। देखो तुम लोग, मैं इस दरवाजे को पार नहीं कर पा रहा हूँ, तो मैं सोच रहा हूँ कि मैं इसी रूम को मैं ढंग से एक बार चेक करता हूँ। ओए, यहाँ से नीचे सेम टू सेम रूम है हमारी तरह, इसको मैं तोड़ सकता हूँ क्या ग्लास को? नहीं तोड़ सकता हूँ यार, क्या है, कुछ भी नहीं कर सकता क्या मैं यहाँ पर? है, ये तो गाइस हम लोग यहाँ पे येड़ा बनाने की कोशिश हो रही है। Much later. Okay, तो गाइस मैं भी कम से कम आधे घंटे से लेकर अरे परे घूमे जा रहा हूँ। ये थर्ड दरवाजा, ये वाला बहुत ही अनफेयर दरवाजा है, लेकिन मैंने एक चीज यहाँ पर नोटिस करी है, वो है कि जैसे मैं सेकंड ब्लॉक के ऊपर जा रहा हूँ ना, मैं पीछे टेलीपोर्ट हो रहा हूँ। बट अगर मैं फर्स्ट ब्लॉक के ऊपर खड़ा हूँ लाइक दिस, एंड मैं साइड में भी जाऊंगा, मैं टेलीपोर्ट नहीं होने वाला हूँ, ठीक है? तो मैं अभी इधर ही से कहीं ना कहीं जाने वाला हूँ बिना इस सेकंड ब्लॉक के ऊपर कदम रखे। ओ भाई, यस, अब मैं उस दरवाजे तक पहुंच सकता हूँ ना ऐसे करके, समझ रहे हो तुम लोग मैं क्या बोल रहा हूँ? अगर मैं सेकंड पे जाऊंगा, सी स्मार्टीफाई फेल आउट ऑफ द वर्ल्ड। अबे यार,
यार। क्यों, मैंने तुम लोग एक्सपेरिमेंट करके दिखाया, तुम लोग पक्का समझ चुके होंगे, मेरे को पता है। क्या मैं बेवकूफ हूँ, इतनी मुश्किल से मैं वहाँ पर पहुँचा था। मरियोनी, अब तो मरियोनी भाई, तुम लोग समझ गए थे ना मुझे, बताओ यार। अब मुझे बहुत ज्यादा यहाँ पे मेहनत करनी पड़ेगी वापस वहाँ तक पहुँचने के लिए। ये है हमारा फर्स्ट दरवाजा, ये है हमारा सेकंड दरवाजा, और ये है हमारा थर्ड दरवाजा। इसके सेकंड वाले ब्लॉक पे कदम रखना ही नहीं है, नभी यही पीछे पीछे से मैंने यूं करके जाना है अपने इस दरवाजे के पास। ओ पहुंच गए ना भाई साहब, पहुंच गए। एंड अब मैं अपने फोर्थ दरवाजे के पास आ चुका हूँ, एंड वो वाला दरवाजा बंद है। उसके पीछे कुछ ना कुछ मिलने वाला है हम लोगों को, बहुत इंटरेस्टिंग। क्या होगा उसके पीछे? बड़ा मुझे गाइस डर लग रहा है कि मैं यहाँ पर इसके सेकंड ब्लॉक के ऊपर कदम रखूँ कि नहीं रखूँ, कहीं ऐसा ना हो कि मैं फिर से मर जाऊँ। तो अभी मैं रिस्क नहीं लेने वाला हूँ, अब मैं इधर से ही जाने वाला हूँ, साइड साइड से, ठीक है ना। रिस्क लेना तो बनता ही नहीं है भाई साहब। एंड गाइस हम लोग पहुंच चुके अपने पांचवें दरवाजे के पास, इसको खोलेंगे, इसके पीछे कुछ भी नहीं है। ओए वेट, ओ शल्कर बॉक्स है भाई, लिटरली नथिंग। ओए यार, मैंने कितनी मेहनत करी, कितना दिमाग लगाया इस पजल को सॉल्व करने के लिए, जो चीज मुझे इसके अंदर मिली है वो है लिटरली नथिंग। पर ये तो इस चीज का नाम है ना, मैं इसको ले तो सकता हूँ ना। यस, मैं इसको ले सकता हूँ। What the hell? मेरी इन्वेंटरी से गायब हो गया वो। ओ यार, फालतू में ठगा रहे हो तुम लोग भाई हम लोगों को, हद है यार तुम लोगों के लिए। ये कौन सी बात होती है भाई जी, है ठगा दिया इन लोगों ने हम लोगों को, सीरियसली। हेलो, इस दरवाजे के पीछे एक खाली स्पॉट है जहाँ से मैं नीचे गिर के मर जाऊंगा, इसको तो मैं खुला ही रखने वाला हूँ, ठीक है ना। मैं भूल गया था यहाँ पर मुझे कदम नहीं रखना था यार। तो इससे पहले मेरे को इस आगे वाले दरवाजे के बैक साइड में कुछ मिला था, तो क्या यहाँ पर कुछ होगा इसके बैक साइड पे? लेट्स सी, यहाँ पर कुछ भी नहीं है इसके बैक साइड पे। क्या इसके बैक साइड में कुछ होगा? कुछ भी नहीं है। क्या इसके बैक साइड में कुछ होगा? ओ यार, आर यू सीरियस? क्या हम लोग यहाँ पर एक सीक्रेट बाथरूम के अंदर आ चुके हैं? क्या बात है, वाओ। और यहाँ पर एक लीवर दे के रखा हुआ है, क्या होगा इस लीवर से? मैं पागल हो जाऊंगा यार, मैं फिर से मर गया एक और बार। क्या ट्रैप है भाई इस बंदे ने बनाए हुए। इस मैप का क्रिएटर कौन है? है कौन इस मैप का क्रिएटर? डैडी, मेरे को इतना ज्यादा गुस्सा आ रहा है, मेरे को किसी को मारने का मन कर रहा है यहाँ पे ऐसे करके। कौन है इसका मैप का क्रिएटर? ओके, तो मैं वापस आ चुका हूँ इस बाथरूम के अंदर। कहाँ पर जाना है हमको? कोई सीक्रेट रास्ता रुस्ता मिल जाए मेरे को, क्या पता। यहाँ पर इस लीवर को मैंने खींचना नहीं है, बिकॉज ये हम लोगों को यहाँ पे ट्रिक करने के लिए लगाया हुआ है। और क्या है? ओ ये क्या है? मुझे शक हो रहा है इसका मैं कुछ ना कुछ कर सकता हूँ, सच तो मैं इसका कुछ भी नहीं कर पा रहा हूँ। देखो गाइस, ऐसा है, ये वाला जो रूम है ये बहुत ही सीक्रेट लोकेशन का रूम है, ठीक है ना। कुछ ना कुछ यहाँ पर जरूर है। इसके फ्लोर चेक करने पड़ेंगे मेरे को ढंग से एक बार। इसके फ्लोर, ओ यस, एक सीक्रेट चेस्ट मिली इसके फ्लोर के नीचे। इसके अंदर क्या होगा? इन्फिनिटियम, इन्फिनिटम, क्या इन्फिनिटम है इसका? मुझे क्या करना है भाई, मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं हो रहा है। पर देखने में ये एक बहुत ही वियर्ड सा डायमंड है। इसका काम डेफिनेटली कुछ ना कुछ हम लोगों को मेन आइलैंड पे हो सकता है। ओके, मैं ऐसा करता हूँ, मैं इस जगह को और अच्छे तरीके से एक बार रिसर्च करता हूँ गाइस, और कुछ खोजने की कोशिश करता हूँ यार, वरना मैं पागल हो जाऊंगा यहाँ पे। भूल जाता है यार, मुझे वहां पर कदम नहीं रखना होता है। मुझे गाइस अभी तक सिर्फ एक ही चीज मिली है काम की, जो कि है इन्फिनिटम। एंड अब इस इन्फिनिटम का क्या करना है मुझे समझ नहीं आ रहा। इसको मैं ऐसा करता हूँ, चेस्ट, उस आइटम चेस्ट के अंदर कुछ ना कुछ रखा हुआ है गाइस, इस चेस्ट के अंदर कुछ ना कुछ रखा हुआ है। ऑलराइट, ओके, एक तो मैं यहाँ से इसको खोल नहीं सकता हूँ, इसके ऊपर ही खड़ा होना पड़ेगा। इसके अंदर क्या है ये? बेरिलियम, बेरिलियम। अभी कोई गोल्डन कलर का डायमंड है यहाँ पर, है ना, एक ब्लू कलर का है और एक गोल्डन कलर का है। क्या कर सकते हैं भाई इन दोनों का हम लोग? एक सेकंड, क्या मैं क्राफ्टिंग टेबल बनाकर कुछ कर लूं? ओ थैंक गॉड कि मेरे पास यहाँ पे चार प्लैंक्स आ गए थे, वरना मैं क्राफ्टिंग टेबल भी नहीं बना पाता अभी, तब तो मैं पक्का ही फंसना था यहाँ पे। क्या है भाई ये? बेरिलियम एंड इन्फिनिटम, क्या करना है इन दोनों से? क्या मैग्मा क्रीम, कुछ मैग्मा क्रीम नाम का यहाँ पर बन चुका है। अल्टीमेट पिकैक्स, भाई साहब ये अल्टीमेट पिकैक्स बन चुके हैं हमारी। देखिए जरा भाई क्या ये? कैन ब्रेक बेडरॉक, ये यही तो कंफ्यूजन थी, इस बेडरॉक को ही तो मैं तोड़ नहीं पा रहा था, तेरी ऐसी की तैसी है। अब मैं इस बेडरॉक को तोड़कर शायद अपनी इन्वेंटरी पे लगा के यहाँ से पार जा सकता हूँ, बिकॉज ये बहुत ही ज्यादा लंबा है। लेट्स सी, क्या चल रहा है भाई ये? ये कैसी अल्टीमेट पे कैक्स है? एक घंटे से लेकर मैं इस बेडरॉक को तोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ, टूटता रहा है नहीं है ये। अच्छा एक सेकंड, मैं इसको तोड़ सकता हूँ क्या? ये वाला भी तो बेडरॉक है। ओ मैं इसको तोड़ सकता हूँ, यस, ना मैं शायद इसके थ्रू जा सकता हूँ आर पार। मुझे मुझे एक्चुअल में शक हो रहा है, तो मैं क्या करने वाला हूँ? ओ भाई बिर्च वुड, ये एक्चुअल में बिर्च वुड है, ये हम लोगों का बेवकूफ बनाया गया था।
क्या है यार। गाइस यहाँ पर दो चीज हो सकती है अभी, या तो मैं इसके अंदर छलांग मारूंगा एंड ये मैप में मैं कहीं और पहुंच जाऊंगा, या तो छलांग मार के मैं मर जाऊंगा एंड मैं वापस यहाँ पे स्पॉन हो जाऊंगा। अगर यहाँ पर फर्स्ट पॉसिबिलिटी है तो मैं यहाँ पर एक साइन बोर्ड लगाना चाहता हूँ यस स्मार्टी पाई वॉज हेयर के नाम से, ताकि जो भी इस वर्ल्ड में स्पॉन हो उसे पता हो कि कभी स्मार्टी पाई भी यहाँ पर आया था न वो इस जगह से एस्केप कर चुका है। बट मुझे पूरा यकीन है मैं यहाँ से छलांग मारूंगा और मैं मरूंगा और मैं वापस जरूर आऊंगा। सो लेट्स सी गाइस 3 2 1 गो। क्या हुआ? यस स्मार्टी पाई हैज मेड द एडवांसमेंट रिमोट गेट। अभी गेट अवे था हमारा। आई थिंक मैप हमारा कम्प्लीट हो चुका है। थैंक्स फॉर प्लेइंग। यस मैप हमारा कम्प्लीट हो चुका है। भाई साहब क्या बात है, क्या बात है गाइस। दिस वॉज अनफेयर स्काई ब्लॉक, लिटरली मजा ही आ गया। एंड लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन आपको वीडियो कैसी लगी है। ऐसे ही धासु धासु मैप्स तुम लोग मुझे कमेंट सेक्शन में सजेस्ट कर सकते हो, मैं जरूर खेलूंगा। एंड एक बार मैं इसके बाहर भी देखना चाहता हूँ। भाई साहब क्या है यहाँ से बाहर, इस वर्ल्ड के बाहर? ओहो अच्छा ये है वो अनफेयर स्काई ब्लॉक, यहाँ पर जाना चाहता था मैं। So guys, let me know in the comment section आपको वीडियो कैसी लगी है। लाइक करो, सब्सक्राइब करो चैनल को, और मिलता आप लोग से ऐसी धासु नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो का लाइक है मैं 1,00,000 लाइक्स पक्का, तुम लोगों को बहुत पसंद आई होगी वीडियो, मुझे पूरा यकीन है। लाइक जरूर करके जाना और मैं मिलता तुम लोगों से ऐसी धासु नेक्स्ट वीडियो में। तब तक लेट्स स्टे ऑसम, बाय।